नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में लोकतंत्र का पर्व हाल ही में मनाया गया। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद एनडीए के नीतीश कुमार लगातार सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। कल वहीं बिहार विधानसभा का पांचवा सत्र था और विधानसभा में जो कुछ भी कल हुआ वो खुद में ऐतिहासिक हो गया, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप पिछले 15 साल में पहली बार इस कदर रौद्र अवतार के रूप में देखेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को हमेशा एक बहुत ही ज्यादा संवेदनशील नेता के तौर पर देखा जाता है। लेकिन कल नीतीश कुमार जिस तरीके से तेजस्वी यादव यानी कि नेता प्रतिपक्ष पर गरजे वो हमने आपको दिखाया। वहीं आपको बता दें कि कल सदन में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जब आमने सामने आए तो बेहद गंभीर हंगामा छिड़ गया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर जो टिप्पणी की उस पर नीतीश कुमार आग बबूला हो गए। नीतीश कुमार का सब्र का बांध टूट गया। नीतीश कुमार ने फिर तेजस्वी यादव पर अपनी गर्जना की। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को कहा है कि इन पर ही कार्रवाई हो जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को कहा, उनको लेकर कहा कि 1991 में जो उन पर हत्या के आरोप लगे उस पर जो मुकदमा चला वो नीतीश कुमार का मुकदमा कहीं अंत पे भी नहीं जा सका और नीतीश कुमार बच गए। नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए तेजस्वी यादव ने। और फिर धीरे धीरे जब नीतीश कुमार अपने आरोप प्रत्यारोप को सुनते रहे तब जाकर अंत में उनके सब्र का बांध टूट गया। उसके बाद नीतीश कुमार ने यह तक कह दिया कि तेजस्वी यादव मेरे भाई समान दोस्त के बेटे हैं तो कुछ भी कहेंगे तो हम सुनेंगे क्या। वहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जो आमने सामने जंग छिड़ी उस पर अब कई नेताओं ने ट्वीट करके तेजस्वी यादव को घेरना शुरू कर दिया। और इस कड़ी में आरएलएसपी के यानी कि रालोसपा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके तेजस्वी यादव को घेर दिया है और नीतीश कुमार का साथ दे दिया है। आपको बता दें कि रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करके कहा है कि माननीय तेजस्वी यादव ने आज सदन में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया वो घोर निंदनीय है। छी छी, क्या इसी राड़ी बेठकौकी के लिए सदन है? तो इस तरह का शब्द उन्होंने प्रयोग किया, तेजस्वी यादव को घेरा रालोसपा के प्रमुख ने और नीतीश कुमार का फेवर, उनका साथ दिया। वही लगातार उस पर जो जेडीयू के जो नेता है नीरज कुमार, उन्होंने भी तेजस्वी यादव को घेरा था, लेकिन राजद जो है वो तेजस्वी के पक्ष में आकर नीतीश कुमार को घेरने में लगा है। राजद के कई नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने सबसे पहले इस बात का प्रयोग किया और नीतीश कुमार को उनको घेरते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह का ये जो शब्द नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में प्रयोग किया था वो भी गलत था। तो ये तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच उठापटक अभी विधानसभा चुनाव के जीत के बाद भी, जो एनडीए की जीत हुई उसके बाद भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में उठापटक जारी है। और उठापटक इस कदर तक पहुंच गई कि कल विधानसभा में जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आमने सामने आए तब जबरदस्त हंगामा हुआ। पिछले 15 साल में पहली बार नीतीश कुमार ने अपना आपा खोया और क्या कुछ का आपने सुना। लेकिन अब रालोसपा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने उनका फेवर लेते हुए, नीतीश कुमार का फेवर लेते हुए तेजस्वी यादव यानी कि नेता प्रतिपक्ष को घेर लिया है और कहा है कि इस तरह की शब्द, इस तरह की भाषा सदन में प्रयोग करना यह घोर निंदनीय है। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेशन न्यूज को। धन्यवाद।